आपको तो पता है बॉम्बे शहर में या इवन दूसरे भी सिटीज़ में लोग लेट काम करते हैं, टैक्सीज में ट्रैवल करते हैं, दो दो तीन तीन बजे वापस आते हैं। जो हमारे एज के लोग हैं या मेरे से बुज़ुर्ग लोग शायद, वो समझते हैं कि इतना लेट आते हो, कैसा काम करते हो, तो इसमें भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज का दौर अलग हो चुका है, इनके काम अलग है, इनका जो पैसे खर्च करने का तरीका वो अलग है, राइट? खाने का जो उनका पसंद है वो भी डिफरेंट है, कपड़े पहनना वो भी डिफरेंट है। हर चीज़ में सीनियर सिटीजन्स को ये समझना पड़ेगा कि ये अलग ही जनरेशन है, ये 21st सेंचुरी की जनरेशन है, करेक्ट? ये मोबाइल की जनरेशन है, ये व्हाट्सएप की जनरेशन है। तो इसके साथ में कैसे मिलकर रहा जाए, साथ में रहा जाए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन ओनली रिश्ते जो है हमारे अच्छे हो सकते हैं। रिश्ते अच्छे इसीलिए ही नहीं है क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते, प्रॉब्लम एक्चुअली वो है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि मैं अपनी मम्मी के चप्पल में अपने पैर डाल के चलती थी, है ना? तो अब वक्त आ चुका है बच्चों के चप्पलों में पैर डाल के चलने के, तब जाकर हम उनको समझ पाएंगे और ये सिचुएशन सुधार पाएंगे। इस समस्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बुज़ुर्ग लोग जो है ना, वो दे आर इन अ टाइम कैप्सूल। तो एक टाइम कैप्सूल में अपने आप को फिट कर देते हैं कि अगर मैं 50 साल की हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे जोड़ों में दर्द होगा, अगर मैं 60 साल की हूँ तो मुझे अब रिटायर होना है, अगर मैं 70 साल की हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मुझे कहीं डॉक्टर के पास जाना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमें ये कहा जाता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, और जब बूढ़े हो चुके हैं इसका मतलब है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, आपके हाथ पैर हिलना बंद हो जाएंगे। दीस आर ऑल बिलीफ सिस्टम्स है, ये एक बिलीफ है, राइट? इस बिलीफ को बदलना है। मेरे जैसे कितने लोग मैं जानती हूँ हमारी उम्र के लोग जो बहुत ही यंग है, वो अपने आप को ये नहीं सोचते कि वो बुज़ुर्ग है या उनके बच्चे इतने बड़े हैं। हम आज भी काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अकेले जाते हैं, है ना? तो जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि अकेला भी हम अच्छी तरह अपना जीवन बसर कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। सीनियर सिटीजन्स का क्या प्रॉब्लम है, जेनरेशन क्यों ये गैप है? क्योंकि सीनियर्स मानते हैं कि हमें तो अब डिपेंडेंट हो जाना है, है ना? बच्चे की शादी हो गई इसका मतलब है वो तो हमारा नहीं रहा, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है पुरानी कि अब तो ये अपनी बीवी का हो जाएगा या अपने हस्बैंड का हो जाएगा, जो भी है, है ना? तो ये सोच का गैप है, इस सोच के गैप को भरना पड़ेगा। जब तक हम भर नहीं पाएंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। आजकल क्या हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स क्या करते हैं, दे गो फॉर सत्संग, टीवी पे सत्संग देखेंगे या सत्संग में जाएंगे, ठीक है? और सत्संग में जाएंगे वहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और घर पे आके अपने बच्चों के ऊपर दे स्टार्ट शाउटिंग, करेक्ट? तो जो आप सुन रहे हैं या जो आप वहाँ सत्संग में जाकर कोई आपको गुरुजी बता रहा है, उसको अपने घर में अमल करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्शन आएगा कैसे? सो दिस हैज़ टू बी, दिस इज़ द रीज़न वाई दिस गैप इज़ एक्चुअली बीइंग फेल्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।